हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स जियोग्राफी का चैप्टर फाइव मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारा ये अर्थ है उसके चारों तरफ क्या है, एक लेयर है गैस की, और इसी गैस की लेयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मैं ड्रॉ करके बताऊंगी कि वो कुछ किस प्रकार मतलब दिखाई देता है। सपोज ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ के इर्द गिर्द इस तरीके से एक गैस का गैसेस की एक लेयर है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, गैसेस, और यही गैसेस को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यहाँ इतने पूरे इस रीजन में यहाँ पर क्या भरी हुई है, गैसेस, ठीक है। आगे देखिए, दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंट्रीगल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। ये जो एक थिन लेयर है, लेयर ही तो बनी हुई है जो येलो येलो है पूरी गैसेस की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक थिन ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जिसने बीच में जो ये हमारा ब्लू प्लैनेट अर्थ है इसको सिक्योरिटी दी है, ठीक है। किससे सिक्योरिटी दी है, सन की हार्मफुल रेज से। ऊपर में सन है, यहाँ पर जो सन की जो हार्मफुल रेज आती हैं उन तक डायरेक्ट नहीं पहुंचने देते हैं एटमॉस्फेयर, और अर्थ सुरक्षित रहता है। ये है, इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। याद रखना कि इस वाले इस येलो एरिया से हमें वो एयर मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं, और सूरज की जो हार्मफुल रेज है उससे भी हम बच जाते हैं, डायरेक्टली हमारे पास नहीं आ पाती। द एटमोसफियर एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। लगभग 1600 किलोमीटर की हाइट तक हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फाइव लेयर्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। एटमॉस्फेयर को हमने पांच लेयर्स में डिवाइड किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो ये आपको एटमॉस्फेयर दिख रहा है, रुको कलर चेंज करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक जो ये आपको एटमॉस्फेयर दिख रहा है उसको हमने यहाँ इस तरीके से पूरा पांच लेयर्स में डिवाइड किया। पहले ट्रेपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जोस्फियर, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। द एटमॉस्फेयर इज कॉम्पोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन व्हिच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें ज़्यादातर हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन देखने को मिलता है, जिसमें से 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और दूसरी भी गैसेस होती है थोड़े कम में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, जो लगभग 1% होती है। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और देखो आप तो जानते ही हो ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है, हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, लेकिन वहीं देखा जाए तो नाइट्रोजन भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इम्पोर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। देखो कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 1% से भी कम में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो जो हमारा प्लैनेट है वो काफ़ी ठंडा रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि जो भी सूरज की गर्म किरणें आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारा अर्थ गर्म रहता है। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है, सो देट हमारा अर्थ थोड़ा गर्म भी रहे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रही तो फिर ठंडा हो जाएगा और इतने कम टेम्परेचर में हम नहीं रह पाएंगे। द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेरीज विथ हाइट। जो डेंसिटी है एटमोसफियर की वो हाइट के साथ साथ अलग अलग होती है, जैसे कहीं ज़्यादा होती है डेंसिटी, कहीं कम होती है।
इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप. तो सबसे ज्यादा जो एटमोसफेयर की डेंसिटी होती है वो कहाँ होती है, सी के पास, सी लेवल पर. और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये डेंसिटीज की कम हो जाती है. यू नो दैट द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर. और इसीलिए जो लोग जैसे ये माउंटेन पे ये चढ़ रहा है तो जैसे जैसे ये जितना ऊपर पहुंचता जाएगा इसको सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि जो एटमोसफियर है वो कम होता जाता है, कम हो जाती है उसकी डेंसिटी जितना हम ऊपर जाते हैं. दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड. इसलिए जब भी लोग माउंटेन की चढ़ाई करते हैं ऊंचे ऊंचे तो वो अपने साथ क्या लेके चलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, सो दैट वो ऊंचाई पे भी सांस ले सके. द एटमोसफियर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ. और ये जो एटमोसफियर है क्या करता है, प्रेशर डालता है अर्थ के ऊपर. दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप का प्रेशर पड़ता है. कहीं पर हाई प्रेशर होता है तो कहीं पर लो प्रेशर. और एयर जो होती है वो हमेशा कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ. और ये जो मूविंग एयर होती है इसको हम विंड कहते हैं. मतलब अभी भी आपके कमरे में एयर मौजूद होगी तभी ना आप सांस ले पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो विंड बहुत तेज तेज मूव करने लगेगी, एक तूफान से जब आने लगेगा, तब आप बोलोगे कि वो विंड है. ठीक है, अब हम देखेंगे बायोस्फीयर को, द डोमेन ऑफ लाइफ. द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर. बायोस्फीयर क्या एक जोन है जहां पर हमें तीनों चीजें मिलती हैं, लैंड भी, वाटर भी एंड एयर भी. इट इज इन द जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट. और ये वही बायोस्फीयर है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो कि एक यूनिकनेस है हमारे प्लैनेट की. बाकी किसी प्लैनेट के पास ये सब कुछ नहीं है, जैसे जमीन है, पानी है और हवा है. देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरीज इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स. और यहाँ बहुत तरह तरह की हमें प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़े मैमल्स तक, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, सब एक दूसरे से लिंक्ड है इस बायोस्फीयर में, ताकि वो सर्वाइवल कर सके. एक दूसरे पे डिपेंड है, हम भी तो पेड़ पौधों पे डिपेंड है. हम में से कुछ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं नॉन वेजिटेरियन, वो छोटे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. तो ये एक साइकिल बनी हुई है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है. जैसे कि शेर डिपेंड है हिरन पे, हिरन डिपेंड है घास पे. ठीक है, तो एक दूसरे पे डिपेंड है. द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली वी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोस्फीयर के, इनको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो प्लांट किंगडम में आएंगे या फिर एनिमल किंगडम में आएंगे. द थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरेक्ट विच ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन द सेम वे और द अदर. ये जो तीन डोमेन हमने पढ़ी थी कौन कौन सी थी, एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्लोप्स. सिमिलरली अर्थ सर्फेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक. फॉर एग्जाम्पल, देर कुड बी अ सबमर्ज ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली. पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज अंडर वाटर. डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन टू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज. इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. देखिए, अगर कुछ भी इंडस्ट्री से वेस्ट जाके पानी में गिरता है तो वो हमारे लिए, और उसी पानी को हम पियेंगे या फिर एक्वेटिक जो ये मछलियाँ तालाब में ये पियेंगे, तो ये हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएगा. पेड़ों का काटेंगे, अगर हम पेड़ों को काटेंगे किसी भी चीज़ के लिए, ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो जो रिमूव हो जाएगी सॉइल, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आ सकती है. और क्या होता है, कई बार पानी का स्तर बढ़ने से बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो भी डूब जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं. तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है. आपस में ये तीनों
जो डोमेन्स हैं लाइफ की वो इंटरैक्ट करती हैं. एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल पॉल्यूट द एयर. जो ये धुआं निकलता है गाड़ियों से और बहुत सारी इंडस्ट्रीज से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट है और ये हमारी जो हवा है, शुद्ध हवा, को ख़राब करता है. बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर. और तो और, अगर ये CO2 ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है जैसे अभी हो रहा है, तो ये जो हमारा पूरा पृथ्वी है इसके टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है, जिसको हम आजकल कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि CO2 हेल्प करता है अर्थ को वार्म करने में, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि आजकल लोग अब व्हीकल बहुत यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री से भी CO2 निकलता है, तो उसकी वजह से जितना हमें चाहिए गर्म रखने के लिए, उससे ज़्यादा तादाद में CO2 कलेक्ट हो जाता है. और फिर क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है. ये दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग. ओके, देर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. और इसलिए हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए नेचर और ये तीनों डोमेन्स के बीच में. हमें हर चीज़ को लिमिट में यूज़ करना चाहिए, साइकिल का यूज़ करना चाहिए, ना कि हर छोटी जगह के लिए हम व्हीकल यूज़ करें, क्योंकि व्हीकल से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है. इसके साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद साधना.